नाबालिग निकला दुष्कर्म का आरोपी, चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म पीड़ित महिला ने वीडियो जारी करके लगाए थे पुलिस पर गंभीर आरोप। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा में एक दुष्कर्म पीड़ित महिला के द्वारा वीडियो जारी करके अपने ही चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। दरअसल सिटी कोतवाली में एक महिला के द्वारा अपने ही चचेरे भाई के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान महिला के द्वारा एक वीडियो जारी करके आत्महत्या करने की धमकी भी दी गई। नाबालिग साबित किया जा रहा है और जमानत करवाने के लिए घूम रहा है। मुझे मेरे बच्चों को जान का खतरा है, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी उसके लोग निरंतर मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। आरोपी आरोपी परिवार के जान का दुश्मन बना हुआ। 3 महीने बीत जाने के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अपने परिवार को बचाने के लिए दारा जहर का सेवन किया गया, लेकिन मेरे पति मुझे बचा लिए। इस बार मैं अपने बच्चों के साथ मरने को तैयार हूँ। मामले को पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और महिला सहित आरोपी के संबंधों की पड़ताल शुरू की। इस दौरान पता चला कि आरोपी नाबालिग है, जो महिला का चचेरा भाई भी है। महिला के द्वारा ये पूरी घटना 27 अप्रैल को बताई गई थी, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सिटी कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। जब आरोपी के संबंध में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह अपचारी बालक है, जिसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में रखा गया है। ये गत माह है एक दुष्कर्म का मामला कायम किया गया था, जिसमें एक कोतवाली थाना क्षेत्र की महिला ने अपने ही चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिस पर आरोपी लगातार फरार था और जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और अभी हाल ही में उसे गिरफ्तार करके उसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी नाबालिग है, वो तो बाल संप्रेषण गृह में उसे रखा गया। दुष्कर्म पीड़िता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कह रही थी कि आरोपी द्वारा जान संभालने की धमकी दी जा रही थी। नहीं, देखिए, अभी तक की विवेचना में इस तरह के कोई तथ्य नहीं आए हैं कि उसको चाकू की नोक पर या जान से चाकू की नोक पर जो है उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस तरह का तथ्य नहीं आया है और उसमें जिस तरह से उसने FIR कराया था और जिस तरह से न्यायालय के समक्ष उसने बयान दिए, उसके अनुसार ही कार्रवाई उसमें लगातार की जा रही है। और ये पिछले महीने का है मामला। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।